हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोबाइल में होती है सार वैल्यू, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आजकल सब कोई मोबाइल चला रहा है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, तो बहुत ज़रूरी है जान लेना कि सार वैल्यू क्या होती है। हम लोगों की जो प्लेलिस्ट चल रही है अपडेट योरसेल्फ, उसमें हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और उसमें जितने भी सारे ऐप्स होते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, खुद को अपडेट करेंगे, इसलिए उसका नाम है अपडेट योर सेल्फ। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं व्हाट्सएप से रिलेटेड जो आपको जाननी चाहिए, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर अभी आई बटन शो हो रहा होगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से देख लेते हैं सार वैल्यू के बारे में। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अकेडमी एनीवेयर में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी कमेंट या सजेशन होता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करिए। तो देख लेते हैं सार वैल्यू। सार वैल्यू होती हर मोबाइल में होता है, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। तो जैसे आप लोग को पता है हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, रेडिएशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो क्या होता है कि जो मोबाइल टावर होते हैं, मोबाइल टावर, उससे रेडियो निकलती हैं, रेडियो वेव्स, जो हमारा मोबाइल अपनी तरफ उनको लेता है, सिग्नल्स होते हैं, एंटीना होते हैं मोबाइल में भी, वो टावर होता है। तो जो अब्जॉर्ब करता है हमारा मोबाइल, उसका अब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है, वही होती है सार वैल्यू। यानी कि जो भी टावर होते हैं मोबाइल टावर, उससे रेडियो फ्रिक्वेंसी निकलती है और वो उस रेडियो फ्रिक्वेंसी को हमारा मोबाइल जो है कैच करता है, अब्जॉर्ब करता है। तो कितना करता है वो अभी मैं बताऊंगा, तो उसी को बोलते हैं सार, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट। तो वो हमारे देश में इंडिया में फिक्स कर दिया गया है 1.6 वॉट पर केजी, अगर ये लिमिट है। अगर इससे ऊपर होता है तो समझ लीजिए कि मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, या कोई भी कंपनी बना रही है जो उसको बेच नहीं सकती है। तो हर मोबाइल में होता है, और ये टेस्ट पहले बताते हैं टेस्ट कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे, बात करेंगे कि और भी चीज़ें इसके बारे में देखेंगे कि क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए कुछ नंबर्स होते हैं, वो आपको आपके डायल लिस्ट में डायल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे स्टार हैज़ 07, फिर हैज़। देखिए हमारे फ़ोन की सार वैल्यू आ गई है, सार वैल्यू 0.75 वॉट पर केजी, ये मेरे मोबाइल की सार वैल्यू आ चुकी है, आप लोगों को दिख रही है। तो यानी मेरा मोबाइल सेफ है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो हर कंट्री का अलग अलग सार वैल्यू होता होगा, अपने इंडिया का 1.6 है, कंपनी जो भी बनाती है इस वैल्यू को रख के। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आती है टावर से, मोबाइल टावर से, तो हमारे शरीर में, हमारा शरीर जो होता है, टिश्यूज जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसे ये रेडियो वेव्स नुकसान करती हैं, टिश्यूज को खतरा रहता है हमारी बॉडी में जो टिश्यूज हैं, इसीलिए ये लिमिट फिक्स कर दी गई है। हर जगह हम लोग मोबाइल से घिरे हुए हैं, सोते समय, जागते समय, उठते बैठते, हर जगह। तो ज़्यादातर आप कोशिश करिए, कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल यूज़ करने के बाद क्या होता है कि मोबाइल आपका बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो ऐसा उसी वजह से होता है, सार वैल्यू की वजह से, स्पेसिफिक अब्जॉर्प्शन रेट की वजह से होता है। तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि जब भी आप बात करते हैं तो हेडफोन यूज़ करा करिए, कोशिश करिए कि हेडफोन से ही बात करिए अगर ज़्यादा देर तक बात करनी है। और एक चीज़ और कि जो ये आजकल चले हैं ब्लूटूथ वाले हेडफोन, उनको अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो उनको भी आप कर सकते हैं, कर दीजिए, क्योंकि ये जो ब्लूटूथ वाले हेडफोन होते हैं उनकी अपनी अलग एक रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्जॉर्ब करने की वैल्यू होती है, सार वैल्यू उनकी अलग अपनी होती है। तो इसीलिए उसको ज़्यादातर कोशिश करिए कि आप वायर वाले हेडफोन को यूज़ करिए, वायरलेस को बिल्कुल ना करिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट करिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।